अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अब ईद को गुज़रे हुए भी 3-4 दिन हो गए हैं और बस गहमा गहमियाँ ख़त्म हो गई हैं, और अल्लाह आप सबको हिफ्ज़ो अमान में रखे और अल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमानों को आज़ादी दिलाए। हमारी ये दुआ है अपने मुसलमान भाइयों के लिए। आज मैं बनाऊंगी कीमे भरे करेले, जिसके लिए मैंने ये करेले लिए हैं। देखें, ये फ्रीज किए थे मैंने, साफ़ करके इनको मैं पहले फ्राई करूँगी। इसके लिए मैंने 4 टमाटर लिए हैं, इसकी ग्रेवी के लिए 1 बड़ा प्याज लिया है, और ये मैंने मसाले लिए हैं, ज़ीरा 1 चम्मच, मिक्स मसाला 1 चम्मच, सूखा धनिया 1 चम्मच, सुरख मिर्च 1 चम्मच, और ये नमक 1 चम्मच। अच्छा, और कीमा मैंने लिया भरने के लिए। कीमा मैं आपको बताऊँगी, मैं उसकी फ्राइंग कर रही हूँ। इनको मैंने कढ़ाई में डाल दिया करेलों को, थोड़ी सी देर ये बर्फ़ इनकी जो है ना फ्रीज़ है, ये थोड़ा सा पानी इनका सूख जाए, फिर मैं ऑयल डालती हूँ। अगर आपने फ्रीज़ नहीं किए तो आप साथ ही ऑयल डालकर इनको फ्राई करें, ठीक है। ये मैंने इस तरह साफ़ किए थे और मैंने दरमियान से ये कट लगा दिया था, देखें इस तरह। हम इसमें ऑयल डालेंगे और इसको हम फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पर, ना हाई करेंगे हम ना ज़्यादा लो करेंगे, मीडियम फ्लेम पर दरमियाने आंच पर हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखें करेले हो गए हैं, ये फ्राई हो रहे हैं। बस मैं इसको निकालने लगी हूँ। अब फ्लेम को मैंने आहिस्ता कर दिया, उनको मैं अच्छी तरह अच्छे करके ऑयल से अच्छी तरह मैं ऑयल इनका निकाल के इनको मैं निकालूंगी। एक तो गिर गया, इसको फिर निकालती हूँ मैं। फ्लेम को मैं ऑफ़ कर दूंगी। करेलों को मैंने ऐसे निकाल दिया, देखिए। अब इनको मैं ज़रा ठंडा होने दूंगी, फिर मैं इनको भरूंगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। कीमे को मैं भून रही हूँ, कीमे को मैं मसाले डाल के भून रही हूँ। इसको मैंने टमाटर में और सुरख मिर्च, नमक, ज़ीरा ये डालकर मैंने सूखा धनिया डाल के मैं भून रही हूँ उसको भरने के लिए। अनारदाना भी मैंने डाला है, थोड़ा थोड़ा मैंने सब डाला है, आधा आधा चाय का चम्मच, ठीक है। कीमा देखें, कीमे को भी हमने अच्छी तरह भून लिया है टमाटर डालकर। ऑयल गर्म था इसलिए मैंने चूल्हा बंद किया, लेकिन अभी मैंने फिर ऑन कर दिए। इसी ऑयल में हमने ग्रेवी बनानी है करेले की। प्याज मैंने एक अभी लिया था, बड़ा प्याज लिया था मैंने, और मैं इसको अभी फ्राई करके आपको दिखाती हूँ। मसाला जार डालती हूँ और फ्राई। फ्लेम आपने लो रखना है, ऑयल बहुत गर्म था तो प्याज जलने का खतरा है, तो मैंने इसको लाइट ब्राउन करना है। फिर इसमें मैंने मसाले डालने हैं, थोड़ी सी देर ये हो जाए। इसमें सारे मसाले मैं ऐड करके मैं इसको अच्छी तरह भून के इसको मैं टमाटर डालूंगी और अच्छी तरह इसको मैं अच्छी ग्रेवी बना लूँगी, ठीक है। हल्का हल्का आप देखिए ब्राउन है साइडें, तो वरना अगर ज़्यादा ब्राउन करेंगे तो प्याज जल भी सकता है। ये हमारे मसाले हैं जो स्टार्ट में मैंने आपको बताए थे, ये सारे मैं डालूंगी इसमें। इसको लो हीट पे हल्की आंच पे मैं इसको फ्राई करूँगी, अच्छी तरह भून के फिर मैं टमाटर ऐड करूँगी। अच्छी तरह देखिए मसाला हमने भूनी है, इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे। इसको लो हीट करके मैं इसको कवर कर दूँगी। टमाटर मैश हो जाए, जैसे मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताती हूँ, तो टमाटर को जब डालें तो आप उसको कवर कर दें लो हीट पर, तो टमाटर हमारे मैश हो गए। तो व्यूअर्स, ये देखें हमने करेला लिया इस तरह, इसमें मैंने इस तरह कीमा भरा। ये देखें इस तरह कीमा भर के अच्छी तरह आपने इसको इस तरह करके बंद करें, और फिर इसके ऊपर ऐसे आप धागा लपेटें इस तरह।
देख रहे हैं आप, इस तरह हम धागा लपेटेंगे, इसको बंद कर देंगे अच्छी तरह। धागा को इस तरह रैप करके आप धागे की गोली को इस तरह करके निकालेंगे कि गिरा लग जाए अच्छी तरह, कि फिर कुकिंग में ये खुले ना। ठीक है, ये देखिए मैंने इस तरह बंद कर दिया इसको। इसी तरह आप सारे करेले साथ साथ भरते जाएं। टमाटर जब हमारे मैश हो जाएंगे तो उसके बाद मैं इसमें करेले ऐड करूंगी। टमाटर इसी तरह भून के बस अब हम एक एक करेला डालते जाएंगे। इनको हम थोड़ा सा एक 2 मिनट के लिए भून के फिर हम हीट को लो कर देंगे। ठीक है, कीमा बच गया तो मैंने कहा मैं ग्रेवी में डाल देती हूँ। थोड़ा सा मैंने कीमा डाल दिया था ग्रेवी में और मैंने तेज़ आंच में मैंने थोड़ा सा हाफ ग्लास पानी डाला है कि थोड़ा सा ये अच्छी तरह भुने जाएँ और मैं ये जल जाते और मैं चूल्हे को आहिस्ता करूँगी और दम पे रखूँगी। और मैंने चूल्हा आहिस्ता कर दिया है, मैं थोड़ा सा पानी इसमें डाल के इसको मैं थोड़ा सा हाफ ग्लास पानी मैंने डाला है इसको मैं अब दम पे छोड़ दूँगी और ये दम पे खुद ही गल जाएंगे।